Hello everyone, welcome back to another video on my channel. And for today's video, I think that मुझे अपना जो pattern है वो थोड़ा change करना चाहिए. And for that, मैं regular basis पे जो sketching की practice कर रहा था उससे ज़्यादा हो सोचा मैं shift होता हूँ and मैं anime पे आ गया. So अभी जो quarantine time है इसके अंदर मैं सबसे अपना अच्छा time pass के लिए अपना source यही मानता हूँ कि मैं animes watch कर रहा हूँ. गुड टाइप्स ऑफ एनीम बहुत सारे अवेलेबल हैं जो मैं देख चुका हूँ, उनको ही दोबारा देख रहा हूँ. जैसे कि नारुतो है, वन पंच मैन सीरीज़ है, ड्रैगन बॉल सुपर हैंड, मैनी अदर्स. बिकॉज बहुत सारे एनीम्स ऐसे भी हैं जो अभी मार्केट में जस्ट आए हैं और उनके एपिसोड्स आने में बहुत टाइम लगाते हैं. एंड वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सीज़न कि एक कम्प्लीट हो जाए उसके बाद देखूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. क्योंकि मैं उन टाइप में से हूँ कि मैं एक दिन में ही सारे के सारे है ना 12 से 13 एपिसोड देख के ख़त्म कर देता हूँ. मैं इसे वेट नहीं होता, इसलिए मैं पूरे सीजन के आने का वेट करता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ. सो अब करेंटली जो मेरे पास रेगुलर बेसिस पे सीरीज थी डाउनलोडेड वो ख़त्म हो चुकी थी. एंड जो लेटेस्ट अभी मैंने देखी है द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो. पर्टिकुलरली ये एक न्यू एनीम मैंने देखा था जो 2017 में आ चुका है, लोग कह रहे थे. बट मुझे लगा ठीक है, देख लेते हैं, कुछ अच्छा ही होगा. सो ये एनीम ठीक ठाक मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर एक हीरो की कहानी बताई गई है जिसके पास कुछ ज़्यादा ऑफेंसिव पावर नहीं थी. इट्स गुड एट डिफेंसिव एंड ये हमेशा दूसरों की हेल्प करता था. एंड अलग अलग इसकी पावर्स दिखाई हैं वगैरह वगैरह, इनले बहुत जनों की हेल्प की है, अपने साथ स्लेव्स कैरी ऑन करता है वगैरह वगैरह. सो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ स्केच बनाएं. एंड फॉर दैट हमारे पास एक ही ऐप बचती है जो है प्रिंटरेस्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे टू फाइंड समथिंग मच मोर अट्रैक्टिव रिलेटेड टू एनीम. अब उसको देखने के बाद मुझे कुछ एक अच्छी फोटो मिली थी जिसको मैंने सोचा पर्टिकुलरली स्केच आउट करते हैं एंड मैंने वही बनाई है. अब ये मीडियम तो मैंने चेंज कर दिया है, अब मैं नए नए तरीके के आर्ट वर्क्स भी लाने वाला हूँ, जैसे कि ये हो चुका है आज पहला. इसके अलावा एनीम का एक और आर्ट वर्क है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं अपने घर के अंदर कुछ पड़ा हुआ सामान था जिसको रिसाइकल कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट मैं सोच रहा हूँ कि ग्लास के ऊपर भी कुछ आर्टवर्क करूँ. बट सिर्फ आर्टवर्क शो करना इज इनफ. आई एम थिंकिंग दैट मुझे ब्लॉगिंग करनी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए अदर स्केच आर्टिस्ट की तरह जो पहले से ही यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं. एंड उसको इंस्पायर होते हुए मेरे को ये लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत ब्लॉग करना चाहिए. सो अगर ये वीडियो कितने बोलो 30 लाइक्स क्रॉस करती है, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर मी. मेरी अभी तक सिर्फ एक वीडियो है जिसके ऊपर 30 लाइक्स हैं. ये वीडियो अगर 30 लाइक्स क्रॉस करती है तो मैं अगली वीडियो से व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा एंड पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा. बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू गाइस कमेंट. एंड मोस्टली अभी मैं ये जो अपनी वीडियोस का एनालिटिक रिपोर्ट देखता हूँ उसमें यही आता है कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मोस्टली अनसब्सक्राइब पीपल्स वाली कम्युनिटी में से आते हैं. आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है. सो इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा आर्ट स्टाइल अच्छा लगता है, मेरा काम करने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ वो जो सब्सक्राइब बटन है ना लाल वाला, उसको प्लीज़ एक बार ज़रा सा दबा दो. एंड सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा नया वेरिएंट देखना है. अभी क्वारंटीन टाइम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय है. मैं हर तरीके का मीडियम ट्राई करना चाहता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, नहीं तो कहीं से अवेलेबल करेंगे. बट आप लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि आपको क्या देखना पसंद है. सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या देखना है, मैं उससे रिलेटेड वर्क करना स्टार्ट करूँगा. क्योंकि जैसे जैसे हमारे कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही है ना, अगर मैं इम्प्रूव करूँगा तो अच्छा ही होगा. सो विद दैट साइज गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक का गोल 30 क्रॉस करने की कोशिश करें, फिर मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा. विद दैट साइज गाइज, प्लीज़ वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज एंड में और भी बहुत चीज़ें आप लोगों को मालूम पड़ेंगी. क्योंकि मैंने इस स्केच को कम्प्लीट करने के लिए सिर्फ पेंसिल नहीं, अपना मीडियम भी चेंज करा, जैसे मैं कर रहा हूँ. मैंने नॉर्मल जेल पेन यूज़ करता हूँ हाईलाइटिंग के लिए, बट मैंने उसको चेंज करके इंक पेन पे गया हूँ. एंड इंक पेन आर प्रीटी मच इनसेन, उनको यूज़ करना बहुत आसान है. प्लस उससे जो हाईलाइट्स जो दे सकते हैं या फिलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द एनीम फैंस. क्यों? क्योंकि इसके बाद और भी एनीम्स वीडियोज़ आएंगी एंड मैं एनीम से रिलेटेड आर्ट जो है गिव अवे भी करूँगा.
एंड इफ यू वॉन्ट दिस स्केच, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इफ़ पॉसिबल अभी क्वारंटाइन के निकल पाए तो मैं ये आपको आर्ट भेजने की कोशिश करूँगा. विद दैट सेज गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज वॉच टिल द एंड. Thank you.
It's all about humanity.